हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर आए है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस विजयनगर की तरफ से जी हाँ दोस्तों ये वैकेंसी डी एम एच विजयनगरम रिक्रूटमेंट दो हज़ार जैसे कि बारह स्टाफ नर्स और आरके के काउंसलर पोस्ट के लिए जारी किया गया है सैलरी की बात की जाए तो ये आपको बारह हज़ार रुपये से लेकर चौंतीस हज़ार सात सौ उन्तीस रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी दोस्तों जबकि जॉब लोकेशन आपका नगर आंध्र प्रदेश ही होगा अप्लाई मोड की बात करें तो इसे कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों तो आइए बिना देर के इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की तो स्टाफ नर्स के लिए दो पोस्ट है जबकि सपोर्टिंग स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड कुक एंड केयर टेकर एनआरसी वार्ड क्लीनर साइकेट्रिक सोशल वर्कर केज रजिस्ट्री असिस्टेंट आरकेएस के कंसल्टेंट और लैब टेक्नीशियन के लिए एक एक वैकेंसी है जबकि आरकेएस के काउंसलर के लिए दो वैकेंसी है अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंड ने क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन टेंथ ट्वेल्थ डिप्लोमा डीएमएलटी बी एस सी एम बीबीएस एमपीएच एम एच ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी बोडा यूनिवर्सिटी से वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे वहीं अगर पोस्ट मेड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे आसानी से पढ़ सकते हो वहीं अगर सैलरी की बात की जाए तो स्टाफ ने बाईस हजार पांच सौ रुपए पर मंथ तक की जबकि सपोर्टिंग स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड केयर एनआरसी और वार्ड क्लीनर को बारह तक की सैलरी मिल जाएगी वहीं साइकेट्रिक सोशल वर्कर को पच्चीस हजार रुपये की केज रजिस्ट्री असिस्टेंट को पंद्रह हजार रुपए की आरके एस के कंसल्टेंट को चौदह हजार सात सौ उन्तीस रुपये की लैब टेक्नीशियन को उन्नीस हजार उन्नीस रूपये की जबकि आरके एस के काउंसिलर को बारह हजार एक सौ सत्ताईस रुपये पर मंथक की सैलरी मिल जाएगी अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात किया तो कैंडिडेट्स की उम्र पच्चीस वर्ष से लेकर बैल्स वर्ष तक होनी चाहिए एक अगस्त दो हजार बाईस से पहले तक वहीं अगर पोस्ट एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम पोस्ट के लिए दोस्तों आपकी एज बयालीस वर्ष या उससे कम होनी चाहिए जबकि के एस के काउंसिलर आपकी एज पच्चीस से तीस वर्ष तक होनी चाहिए अगर वहीं बात किया एज यानी आयु सीमा की तो एक्स सर्विस मैन मैन कैंडिडेट को तीन साल तक का जबकि एस सी और बीसी कैंडिडेट को पांच साल तक का वहीं पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट को दस साल तक का एज एजेंशन मिल जाएगा अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रोसेस बेस्ड ऑन मेरिट होगा दोस्तों और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा और अगर अंत में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यह फॉर्म भरने की प्रक्रिया पंद्रह नवंबर और से स्टार्ट होगी जो कि अठारह नवंबर दो तक चलेगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो साथ ही एक बात और बताओ दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही हमें कमेंट करें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर जय हिंद